खुशनसीबी की बात है कि बिहार के धरती पर बाबा बागेश्वर आ रहा है। नेता लोग से यही निवेदन रहेगा कि इस पर राजनीति प्लीज कोई ना करे। हमको तो लगता है वही लोग ढोंगी होंगे, वही लोग ढोंगी होंगे जो बोल रहे हैं ये सब। हाँ, राजनीति वाले राजनीति करेंगे ही, जिनको राजनीति करना है कह रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं। जी नहीं नहीं नहीं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि फिलहाल हम नौबतपुर में हैं जहां बाबा बागेश्वर आ रहे हैं। बता दें कि बिहार बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, 13 मई से लेकर 17 मई तक उनका जो कार्यक्रम है वो बिहार के नौबतपुर में रखा गया। आपको बता दें कि पहले ये कार्यक्रम गांधी मैदान में होना था लेकिन प्रशासन ने उनको जगह नहीं दी तो फिलहाल इसको नौबतपुर में किया जा रहा है। बता दें कि नौबतपुर में जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है। बाबा बागेश्वर के जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, वो आज से ही पटना के नौबतपुर में तैयारियां देखने आ रहे हैं कि क्या कुछ इंतज़ाम किया गया। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि बाबा बागेश्वर को लेकर राजनीति भी जोरों शोरों पर चल रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो उनके आने की खुशी मना रहे हैं। हम नौबतपुर में हैं और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं, बात करेंगे कि बाबा बागेश्वर को लेकर वो कितना ज्यादा खुश हैं। बाबा बागेश्वर बिहार आ रहे हैं, सबसे खुश नसीबी की बात है कि बिहार के धरती पर बाबा बागेश्वर आ रहा है और बिहार के कल्याण के लिए ही आ रहे हैं कि बिहार में सब कुछ बढ़िया हो, बिहार आगे तरक्की करे। नेता लोग से यही निवेदन रहेगा कि इस पर राजनीति प्लीज कोई ना करे। राजेंद्र, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पर ही घेराव करेंगे। वही तो कह रहा है मैम कि राजनीति ना करें इस पर, इसको सामाजिक दृष्टि से लोग देखें। उससे पर्सनली वो अपने काम के लिए बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, समाज नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश नाम। कहाँ से आए हैं आप? मीठापुर, पटना से। पटना से आज ही आ गए हैं? बाबा बागेश्वर 13 को आ रहे हैं। हम पटना से आज ही आ गए और यही रहना ही है। अच्छा, यही रहेंगे जब? हाँ, 17 तारीख तक यही है। हाँ, तो आप बाबा बागेश्वर को मानते हैं? बहुत मानते हैं उनको, हम यहाँ सेवा देने के व्यू से आए हैं, सेवा देंगे। पूरा परिवार सदस्य लोग, सब लोग हम आए हैं। बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो बाबा बागेश्वर हैं ये हिंदू मुसलमान और लड़ाई लगवाने के लिए बिहार आ रहे हैं। ना ना, ये सब ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा बात नहीं, नहीं, सब अफवाह फैलाने की बात है। बस हम तो जितना चाह रहे हैं, जितना जल्दी हो बाबा जल्दी आए और बिहार की धरती पर अपना पैर रखकर बिहार को ये कर दें। राजनीति के कई बड़े नेता कह रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे, बिहार आने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब नहीं कुछ होगा, नहीं। आप मानते हैं बाबा? हाँ मानते हैं। बताइए आप कहाँ से हैं? हम पटना से हैं। पटना से आ जाए हैं? हाँ, यही रहना है जब तक बाबा। हाँ, बाबा के लिए हम सेवा हम लोग देंगे यहाँ पे जब तक रहेंगे वो। कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, विरोध कर रहे हैं और भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि वो लड़ाई लगवाने के लिए बिहार आ रहे हैं। बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे, जो अपना काम रहेगा वो बाबा करके चले जाएंगे अपना। तो आप बाबा बागेश्वर को बहुत ज्यादा मानते हैं? जी हाँ, बहुत ही ज्यादा मानते हैं। क्या वो चमत्कारी बाबा हैं? हाँ है। हैं, आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। और जो उनको ढोंगी बोल रहा है उनको क्या बोलेंगे? हमको तो लगता है वही लोग ढोंगी होंगे, वही लोग ढोंगी होंगे जो बोल रहे हैं ये सब। बोल रहे हैं? हाँ। क्या बोल रहे हैं आप? ना ना, हम कुछ नहीं। बताइए, बाबा बागेश्वर बिहार आ रहे हैं तो आप आज से ही यहाँ मौजूद हैं उनके? हम तो इसी गांव के ही, इसी गांव के हैं। तैयारियाँ जोरों शोरों पर है उनके आने को? जी जी जी। कई लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आ रहे हैं धर्म के प्रचार करने के लिए आए हैं और उनसे शिक्षा लेना चाहिए, उनसे ज्ञान सीखना चाहिए। वो भी आए, जो विरोध कर रहे हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे, उनको भी इज्जत करेंगे। वो आए यहाँ, यहाँ किसी को रोक टोक नहीं, किसी को रोक टोक नहीं। राजनीति भी जोरों शोरों पर है, राजद कह रही है कि नहीं आने देंगे। कहने वाले कहते रहेंगे, वो आएंगे बाबा, सब लोग का आस्था है, विश्वास है, वो आएंगे और जोर शोर से तैयारी चल रही है। वो जोरों शोरों जी। बताइए, बाबा बागेश्वर आने की कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुश। राजनीति में बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो विरोध कर तो राजनीति वाले राजनीति करेंगे ही, जिनको राजनीति करना है कह रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं।
जी नहीं नहीं नहीं, इस सृष्टि को चलाने वाले वही है, सृष्टि को चलाने वाले वही है बस। आप बहुत खुश हैं उनके आगमन? बहुत खुश हैं, हम बेगूसराय से आए हैं। अच्छा, आप बेगूसराय से यहाँ आए? यहाँ व्यवस्था देखने आए हैं। व्यवस्था की कैसी है? बाबा को कोई दिक्कत नहीं होनी? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो राजनीति में लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं आने देंगे? अरे वो तो करते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप लोग मानते हैं बाबा? बहुत मानते हैं। बताइए, बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, कितना खुश है? बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश है। हाँ। कई लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं आने देना? विरोध नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सब लोग को मिलजुल कर आना चाहिए, सब लोग इस कार्यक्रम को देखें और सफल बनाएं। सफल बनाएं। हाँ। तो कई लोग हैं जो कहते हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, ढोंगी बाबा हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है सब सत्य है, सत्य की ही जीत होती है। सत्य की ही जीत है। बस यानी आप उनके आने की खुशी में हैं? हाँ, खुशी में है, तभी तो आए हैं 10 किलोमीटर से। खास से यहाँ देखने? कहाँ से? खजूरी बारा से आए हैं देखने के लिए। इतनी दूर से आए हैं यहाँ? सिर्फ यहीं रहना है? नहीं, शाम के जाएंगे, फिर कल आएंगे। फिर कल आएंगे, यानी जब तक बाबा रहेंगे आप भी तक? हाँ, भ्रमण करते रहेंगे सुबह शाम। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम अभी नौबतपुर में हैं और यहाँ आज से ही लोगों का आना शुरू हो गया है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं बाबा बागेश्वर को देखने के लिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे साथ NBC 24 पर।